एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ कॉट थीटा इक्वल्स टू 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कॉट थीटा बराबर है 5/2 के और टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल पहले क्वाड्रेंट में है, मतलब वहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, सिंस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, तो अंडर रूट लेंगे, कोसेकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किस लिए लगाया, इसलिए ताकि कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है, मालूम है, वो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकें। एज टर्मिनल रे इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो कोसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला रखेंगे, कोसेकेंट थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू थी 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू अंडर रूट एलसीएम लेंगे 29/4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 29 डिवाइड में 4 का अंडर रूट होता है 2। नौ अब कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा बाय फार्मूला इक्वल होता है 1 बाय कोसेकेंट थीटा के, विच इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया अंडर रूट 29/2, 2 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 29 के। नौ कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर है कॉट थीटा के, विच इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा साइन थीटा, तो राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा की वैल्यू पुट करें 5/2, अब साइन थीटा की वैल्यू 2 बाय अंडर रूट 29, 2 से कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल आ गया 5 बाय अंडर रूट 29 के। नौ कॉस थीटा भी आ गया, कोसेकेंट थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, चाहिए था हमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल होगा 3, साइन थीटा की वैल्यू पुट करें 2 बाय अंडर रूट 29 प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें 5 बाय अंडर रूट 29 डिवाइड में कॉस थीटा की वैल्यू 5 बाय अंडर रूट 29 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 2 बाय अंडर रूट 29 विच इज इक्वल टू 3 टू ज़ार 6 बाय अंडर रूट 29 प्लस 4 5 ज़ार 20 बाय अंडर रूट 29 डिवाइड में 5 बाय अंडर रूट 29 माइनस 2 बाय अंडर रूट 29 विच इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, तो 6 प्लस 20 बाय अंडर रूट 29 डिवाइड में 5 माइनस 2 बाय अंडर रूट 29 इक्वल्स टू 6 में 20 ऐड करें 26 बाय अंडर रूट 29 डिवाइड में 5 में से 2 माइनस करें 3 बाय अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल आएगा 26 बाय 3 के। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।